चर्चा अपनी समयसार कलश और उसके सरल पद्यानुवाद इसके आधार पर चल रही है। कल हमने तीन दृष्टांत के द्वारा, जो कि मूल समयसार में ही हैं, टीका में आप देखो जरा, ये 177 पेज नंबर पर समयसार के पहली लाइन में मृग तृष्णिका का एग्जाम्पल है, देखा ना, अज्ञानाद मृग तृष्णिकाम जलदया धावन्ति पातुम मृगा। मृगा यानी हिरण अज्ञान से, हाँ, एक 58 नंबर का कलश, मृग यानी हिरण अज्ञान से जल मृग तृष्णिका के पीछे भागते हैं। दूसरे नंबर में आया रस्सी में सांप का, अज्ञानात तमसी द्रवंती भुजगा ध्यासेन रज्जौ जना। जना मतलब लोग अज्ञान से अंधकार में, तमसी यानी अंधकार में, रज्जौ यानी रज्जी में, रस्सी में, भुजग मतलब सांप का अध्यास यानी विपरीत मान्यता कर लेते हैं। इसमें देखो, मूल कलश में देखो भैया, वीरेंद्र जी मूल कलश से बता रहे हैं। हाँ, बराबर दो बातें आ गई, दो दृष्टांत आ गए, यानी बनारसी, ये दो दो लाइन क्लियर हो गई। हाँ, अब देखो तीसरी लाइन फिर से, अज्ञानात मतलब अज्ञान से विकल्प चक्र करणात, विकल्प चक्र जो समुद्र में वो विकल्पों के कारण तरंग उत्तरंग अब्धिवत, कि समुद्र को कैसा मान लेते हो, तरंग वाला, मगर वास्तव में समुद्र तरंग वाला नहीं, लहरें तो हम शंकु वाटर पार्क में भी ले आते हैं, आते हैं ना वाटर पार्क, शंकु आर्टिफिशियल क्या बोलते हो, रेस क्या है, वेव्स लाते हैं, वेव्स आती है वहाँ पे, वो कृत्रिम हो सकती, लेकिन समुद्र कृत्रिम बना सकते हो क्या? कृत्रिम जो भी है वो अनादि का नहीं, क्या समझे, कृत्रिम जो भी है वो अनादि का नहीं है, अकृत्रिम है वो ही अनादि का है, और ऐसा अकृत्रिम क्या है, स्वभाव है। इसलिए समुद्र अपनी गरिमा के कारण समुद्र है, ना कि तरंगों के कारण, बराबर ना। अब देखो लास्ट लाइन कहते हैं, शुद्ध ज्ञान मया अपि स्वयं अमी कर्त्री भवंती आकुला। स्वयं अमी यानी ये स्वयं शुद्ध ज्ञान वाला होने पर भी, अमी एटले आ, शुद्ध ज्ञानमयी होवा छता पण स्वयं कर्त्रा बनी ने, शू बनी ने, कर्त्रा कर्ता बनी ने आकुलित थाय छे। एटले आकुलित थवानो मूल कारण शू, कर्ता बने। जब जब जीव कर्ता बनता है, ये मेरा कर्ता में सब आ जाता है। देखो भले कर्ता कर्माधिकार में करते पने से बात बोल रहे हैं, लेकिन एक के साथ चारों की चार बुद्धियां आती आती हैं, क्योंकि जिसे अपना मानोगे, जिसमें मैंपना करोगे, उसी के कर्ता बनोगे, और जिसके कर्ता बने उसका भोगोगे, भोगोगे मतलब आकुलित होगे। ज्ञायक भाव है ना, ये चार बुद्धि के विरुद्ध है, ये समझो और बड़ा गहरा निर्णय करो इस चीज का। ज्ञायक भाव एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व की, ममत्व बुद्धि मिथ्यात्व की, कर्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व की, भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व की, ये चारों बुद्धियां हैं मिथ्यात्व की, और इनको जानने वाला कौन, ज्ञायक। और जब ज्ञायक भाव के द्वारा, यानी जो ज्ञायक है ना आत्मा, वो तो किसी का नहीं और कोई आत्मा का नहीं, वो किसी का करता नहीं, कोई उसका भोक्ता नहीं, जाननहार तत्व तो हर अवस्था में जानने में आता है और इसलिए जब हम ज्ञायक भाव बोलते हैं
तब शुष्क ज्ञान की बात करते ही नहीं। बहुत सारे बोलते हैं अरे अब क्या खाने पीने का विचार करना, जो भी मिले सहज ज्ञान से खा लो, मतलब ज्ञान से खा लो मतलब आनंद ले रहे हो ना, आनंद ले रहे हो मतलब तुम ज्ञायक में हो ही नहीं। ज्ञायक तो ज्ञायक का आनंद लेता है, भोजन का आनंद नहीं लेता। ज्ञायक तो ज्ञायक को भोगता है, ज्ञायक तो ज्ञायक से जुड़ता है, ज्ञायक तो ज्ञायक में अपनापन करता है। या ज्ञायक की बात करें, हम तो भाई ज्ञाता दृष्टा भाव से दुकान में बैठते हैं। अच्छा, ज्ञाता दृष्टा भाव से दुकान में बैठते ही क्यों, फिर जरूरत ही क्या है? क्योंकि ज्ञायक तो अपने में जुड़ने वाला है, और दुकान में कहाँ अपने में जुड़ने का कोई मार्ग दिखा जा रहा है। पॉइंट समझ में आया कि ये थोड़ा निर्णय करना चाहिए। हम लोगों ने ज्ञायक भाव को टू नो के अर्थ में लगा दिया, मात्र जानना। अरे भाई, जानने के साथ में मेरे तेरे पने का जो भाव है, कर्ता भोक्ता पने का जो भाव है, वो भी अज्ञान भाव है। समझ में आया? लेकिन अपना ऐसा कहाँ होता है? अपने देखिए गायक का अनुभव नहीं करते, गायक का नाम लेकर बबड़ते हैं, बड़बड़ाते हैं। कई बार ऐसे लोग कहते भी हैं, गुस्सा आता तो कहता भी हूँ मैं गायक हूँ मैं गायक, पर गुस्सा जाते ही नहीं है। बोले किसने कहा कि कहने की जरूरत है, गायक हूँ ऐसा मान लेते तो आता ही नहीं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अपने जो जो शाब्दिक समाधान जिन लोगों ने पकड़ा है ना, वो ऐसे ही कहते हैं कि पंडित जी जरा गुस्सा हुए तेरे खूब विचार करिए थी, क्यों गायक छू गायक छू गायक छू। अरे भला मानस, गायक छू आम पहला विचार ही लीधो होत तो गुस्सो आवत है। गायक नहीं रह पाते इसीलिए लाभ में फूल जाते, गायक नहीं रह पाते इसलिए हानि में दुखी हो जाते, गायक नहीं रह पाते इसलिए मान में अच्छा लगता है, गायक नहीं रह पाते इसलिए अपमान में बुरा लगता है, गायक नहीं रह पाते इसलिए राग और रोग बुरे लगते, और गायक नहीं रह पाते इसलिए ज्ञान स्वभाव अच्छा नहीं। समझ में आया? नहीं नहीं, फिर बोले तो चारित्र का दोष है। भाई चारित्र का दोष हमें पता है, लेकिन पहले श्रद्धान का दोष समझ लो। चारित्र के दोष में क्या परिणति होती है वो अलग मैटर है, लेकिन अभी तो तन मन धन सब लगा हुआ है ना, सीधा सीधा श्रद्धान का दोष दिख रहा है, और उस श्रद्धान के दोष को चारित्र के दोष के नाम से तुच्छ करना बताए तो ठीक नहीं है ना। सीधा श्रद्धान का दोष है। जैसे जब कोरोना था ना, कोरोना बराबर ना, तो कोरोना में लक्षण तो वही होते थे। अब कोई व्यक्ति मानता नहीं था, बुखार आ रहा है, अरे वो तो हर बार आता है, अरे वो तो हर बार आता है। अब सीधे सीधे कोरोना के दोष को तू खांसी जुकाम बता रहा था तो मरेगा। मेरे सगे बुआ का लड़का एक्सपायर हो गए 41 साल की उम्र में, हाँ 40 साल की उम्र में करीबन, गांव में भोपाल में बमोरी पास में ही गांव, वहीं रहते थे। एक ही बात, यहाँ गए अरे वो तो हर साल सर सीजन चेंज होता है तो ये तो होता ही है फिर तो, और सबके पास तर्क अपने अपने हैं, और ऐसी भ्रामक दशा थी कि निर्णय में कोई नहीं था। तो पूरे पूरे वही लक्षण दिखे तो भी ना इलाज कराया ना कोई विचार किया, अपने मन से डॉक्टर बन के कभी सर्दी की गोली ले ली, कभी बुखार की ले ली, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, हो गया पूरा। समझ में आया? दृष्टांत तो सब कितने जल्दी जुड़ जाते हैं। दृष्टांत जिस सिद्धांत के लिए था उससे जुड़ो। सिद्धांत क्या था? किस है भूली गई, कोरोना याद रह गया बस। हाँ, कि प्रत्यक्ष इसमें श्रद्धान का दोष दिखाई देता है, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं पता है? मुमुक्षुओं में ये बातें ज्यादा होती है, दूसरों को तो कुछ पता ही नहीं है श्रद्धान का दोष क्या होता,
चरित्र का दोष क्या होता। अपन लोगों को सब जगह से तर्क निकालना आ गए, समझ में आया। तो तर्क निकालना आया तो क्या हुआ कि अपन ने सुन लिया कि भाई समकिति को भी राग होता है, समकिति को भी द्वेष होता है, समकिति चरित्र का दोष है उसके। तो हम लोगों ने भी अपने प्रत्यक्ष श्रद्धान के दोष को क्या नाम देना चालू कर दिया, उसके मिथ्यात्व जाने पर चरित्र का दोष कैसा होता है तुम्हें पता ही नहीं है। मैं ये समझ लू जैसे कोरोना का लक्षण और वो एक्चुअल में क्या माइनर डिफरेंस है हमें पता ही नहीं होता, वो तो इंटरनल बात है। डॉक्टर को पता चले, सीटी स्कैन कराए तो शायद कुछ पता चले, ऐसे तुम्हें तो वो सेम ही लगेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, दृष्टांत मैंने क्यों दिया था ये। थोड़ा और दृष्टांत को लंबा कर देता तो सब लोग अब सिंपैथी में चले जाते, मूल बात तो भूल ही जाते, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं किया। ख्याल में आया, प्रत्यक्ष अपने अंदर में उल्टी मान्यता के कारण अनंत पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व दिखता है लेकिन कहना नहीं चाहता। प्रत्यक्ष जैसे उनको हुआ ना, प्रत्यक्ष सारे लक्षण दिख रहे थे लेकिन अपने मन से ही डॉक्टर बन के कभी सर्दी की दवा, नहीं ये तो होता ही है, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो वैसे ही करता है, ऐसा करते 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 प्रत्यक्ष रोग की अवगणना की और कमतर रोग को मान लिया, लेकिन मान लेने से रोग तो कम थोड़ी हो जाता है। पॉइंट समझ में आया क्या बोला, प्रत्यक्ष महान रोग की अवगणना की और क्या मान लिया, ये तो कॉमन है, कमतर रोग मान लिया, तो मानने मात्र से वो रोग कम तो नहीं हो गया, वो रोग तो अंदर में था ही। अब दे छूट गई, अब भाभी हैं, दो बच्चे हैं, बोलो अब क्या करो। अच्छा गजब बात ये है, ये अभी भी मैं बोलो, मैं सिंपैथी में ले जाना नहीं चाहता लेकिन आप लोग इनसे जुड़ जाते हो जल्दी तुरंत, अरे बाप रे उनका क्या होगा, उनका क्या, अरे भले मानस मिथ्यात्व के साथ मर के जब हम नरक में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बोलो। वहां तो फिर भी कुटुंब मिल रहा है उन बच्चों को, चाचा हैं, बड़े पापा हैं, सारा परिवार है, लेकिन जब हम त्रियंच में जाएंगे तो हमें कौन मिलेगा, वहां तो एक बार मर रहे, यहां तो बार बार मरेंगे, श्वास के 18 भाग जन्म मरण करेंगे। इसीलिए प्रत्यक्ष मिथ्यात्व के महान दोष को देखते जानते हुए उसे चारित्र का दोष कहकर कमतर करने की कोशिश मत करो। हाँ व्यर्थ को उससे कोई, क्योंकि मैं बोला ना मानने वाली बात थी ना, मानने से उन्हें अरे सर्दी है सर्दी है, मानने से रोग थोड़ी सर्दी बन गया, दो चार दिन बाद, पांच दिन बाद, छह दिन बाद उसका असर दिखा और फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे आप पूरी जिंदगी मानते रहते हो, नहीं नहीं ये तो समकिति को भी होता है, ये तो समकिति, इतना इतना व्यर्थ वाला तर्क मिल गया है हम लोगों को, ये तो समकिति को, समकिति को कैसा होता है ये तो केवली जाने और समकिति जाने, ये कोई नहीं जान पाता। रीत लगी है अटापटी चटाचटी हटा हटी, ये सब क्यों बोला, ये इतना सीधा सीधा मामला होता तो कोई ऐसे रूपक में बात नहीं करता, ये गूढ़ है। समकिति की दृष्टि, सम्यक्ति जीव का पुरुषार्थ, ये सच्चे अर्थ में तो वो समकिति जान रहा है और केवली जान रहा है, अज्ञानी तो सम्यक दृष्टि के नाम पर अपने मिथ्यात्व के महान दोष को गौण करके उसे कम तर कर देता है, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं। समकिति को भी होता है, हम दुकान पे बैठेंगे तो कहेंगे अरे सम्यक दृष्टि भी दुकान खोलेगा,
हम भोग भोगेंगे, सम्यक दृष्टि भोग भोगता है, हमको ये मन हर चीज में सम्यक दृष्टि को लेकर जाए। भरत को लेकर आएंगे, भरत को सबसे प्रिय तो भरत ही है हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लोरियस कैरेक्टर तो हमें वो ही देखता है, और हमें सम्यक दृष्टि भी वो ही बनना है। कौन सा वाला? भरत टाइप। भरत जी घर में ऐसी खीर खाओ, ऐसी खीर खाओ। अरे भाई, जैसे भरत की खीर को भरत ही पचा पाता था, ऐसे भरत के भोग को भरत ही पचा पाएगा। भरत की साधना को तुम नहीं समझ पा रहे। भरते वैभव में बोला कि जब ये प्रोषद करने बैठते थे भरत चक्रवर्ती अपनी समस्त पटरानियों के साथ, ये 14 संवत्सरी का प्रोषद आएगा ना, ऐसे उपवास में जब प्रोषद करने के लिए बैठते थे तो ऐसे 24 घंटे अचल रहते थे, इतने स्थिर हो जाते कि उनकी हाथ की 10-10 हाथ की अंगूठियां थी ना वो गिर जाती, एक नहीं सारी रानियां और स्वयं भरत 96,000 रानियों के साथ में ध्यान कर रहे। धन्य भरत और धन्य उनकी रानियां है, यहां तो आंखें बंद ना करने दे है कि नहीं है। इसीलिए बार बार भरत को बीच में मतलब, क्योंकि भरत के भोग को पकड़ लोगे, भरत के वैराग्य को नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए प्रत्यक्ष जो महान दोष दिख रहा है उसको कमतर करने का प्रयास मत करो और उस दोष को दूर करो। और वो कैसे होगा? अज्ञानात तमसी, अज्ञान से दोष है। अज्ञान का मतलब एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, और इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं शुद्ध नय से अपने आप को एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि से हटाकर देखता हूं तो ज्ञान 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 मई दिखता, और जब ज्ञान मई दिखता है ओहो, तब पता चलता है कि अरे मैं तो करता था ही कहां, मैं तो जानना रहा मात्र था। कर्तापना तो आरोपित है। क्या बोला? कर्तापना तो कैसा है? आरोपित है, यथार्थ नहीं। ठीक है ना, बराबर करना। देखो ये लाइन हो गई, तैसे जीव जड़ सो अव्यापक सहज रूप, फिर क्या करता है? भरम सो कर्म को करता कहा। बराबर। अब देखो, अब वही वाला है, इसे ही लेते हैं। किसमें? इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, बनारसी दास जी में मधुरता ज्यादा है। फिर अपन इसके साथ वो कर लेंगे, टैली कर लेंगे। 59 नंबर का अनुवाद है, 15 नंबर के पेज पर कलश में बनारसी दास जी के। बराबर ना। देखो, जैसे राज हंस के बदन के सपर सत देखिए प्रगट, न्यारो चीर न्यारो नीर है। भाषे अपुआ चले न बहुज पूरव करम उदे आई के दिखाई देत। बहुत बढ़िया ना। देखो, भेद ज्ञानी जीव करता ना होए तिनको तमाश गिर। लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन तमाश गिर। तमाशगीर मतलब क्या? तमाशा देखने वाला। अब लौकिक में तमाशा देखने वाला थोड़ा रागी होता है, अपन कहते ना बता तमें तो तमाशा जो आया छो। तमाशा कहवाए ना, भी जाए भाई भाई झगड़ता होए घर में, बता भी लोग झगड़ता होए ने आजूबाजू वाला लोग शू थाय पी के पर तमाशा मत बनाओ। तमाशा झगड़ता झगड़ता पर अड्लो ध्यान तो रहे झगड़वू तो ऊपर ए शांति थी जाए, बधाने वच्चे तमाशो नहीं करूँ, मैंने बधाने वच्चे होवाड़ो नहीं करूँ। एट्ले इज्जत पण प्यारी होय अने कसाय पूरो होय। हेलो, पेट भर के कसाय करना हो ना तो एकांत में करता है।
बाकी मैं तो थोड़ा टीडीएस कट कट के कसाए होती सबके सामने क्या कसाई भी करनी हो ना तो कैसी होती है, एकांत में करता है तो पेट भर के नेचुरली कसाई करता है, बाकी बीच में तो ये चिंता रहती ना नाक कट जाएगी नाक कट, लोग समझेंगे अरे इतने स्वाध्याय सुनते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, दूसरों के डर में कसाई दबा लेता है बराबर। लेकिन यहाँ तमाशगीर का मतलब कैसा लिया, जैसे कोई तटस्थ भाव से मात्र सारे जगत का संयोग वियोग का खेल देख रहा, क्या कर रहा हो खेल देख रहा हो, ज्ञानी दर्शक है दृष्टा है ज्ञाता है कर्ता नहीं, बात आई कि नहीं समझ में, ज्ञानी कैसा है दर्शक, आप दर्शक देखो और दर्शक भी कैसा दर्शक, दर्शक भी ऐसा दर्शक जो 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 भारत पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे अगर आपको कोई खेल देखना हो ना और तटस्थ होकर खेल देखना हो क्रिकेट का, जैसे रसिक व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं था बहुत पहले, अभी तो बहुत कम हो गया, कोई भी मैच आ रहा हो किसी भी टीम का आ रहा हो सब देख लेना, भारत पाकिस्तान का हो भारत को तो उसमें ठीक, नहीं तो प्रेम भारत से ज्यादा क्रिकेट से था कोई भी खेले बराबर, ऐसे तो ज्ञानी ऐसे ही होता है खेल देखता है बस, राग नहीं द्वेष नहीं, ये जीते तो अच्छा ना ये हारे तो बुरा, ऐसा कोई पर्सनली जुड़ते ही नहीं, भारत के मैच में राग द्वेष बिना देखना मुश्किल है, लेकिन भारत के अलावा दो अन्य टीमें खेल रही हो तब आप खेल देखते हो। तो समकिति क्या है, संसार की टीम में उसने संसार के कंपटीशन में उसने अपनी टीम उतारी नहीं, इसलिए सट्टा लगाता ही नहीं है वो किसी पे, सट्टा ना लगाए फिर तो खेल बचता है, केवल खेलता है देखता है, देखते हुए भी देखता है और कई बार तो खेलते हुए भी देखता है, ये समकिति की खूबी। क्या बोला, देखते हुए भी दूसरों का खेल दिख रहा है तो देख लेता है और कई बार तो खुद खेलता हुआ दिखता है तो भी खेलता नहीं है वो देख ही रहा होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप बच्चों के साथ खेलते हो, बच्चों को लगता है कि पापा खेल रहे लेकिन पापा और दुखी भी हो रहे सुखी भी हो रहे हैं लेकिन पापा तो केवल उनका मन रख रहे, पापा तो क्या रख रहे उनका केवल मन रख रहे उनका, खेल नहीं रहे उनके साथ, देख रहे उनको और उनको खेलते देख देख कर आनंदित हो रहा, उनको अपने हार जीत से कोई मतलब नहीं, जीत भी गया तो भी कोई मतलब नहीं और हार के उसको तारी तो भी कोई मतलब नहीं, वो खुश हो जाता है कि मैंने पापा को हरा दिया, पापा कह रहे चल बेटा ठीक है तू खुश हो ले, ऐसा है तो देखते हुए तो देखता है खेलते हुए भी देखता है, सम्यक दृष्टि अपने स्थान से हटता नहीं, उसने संसार के कंपटीशन में अपनी टीम उतारी नहीं, उसने तो अपनी टीम के पूरे खिलाड़ियों को संसार से हटा दिया है, ज्ञान को आत्मा में लगा दिया, श्रद्धान को आत्मा में लगा दिया, चरित्र को आत्मा में लगा दिया बराबर, सबको बोल दिया भैया तुम्हें इस खेल में जाना ही नहीं, तुम तो अपने में रहो, जाना हो तो मतलब कुछ लेने देने वगैरह के जाना, ज्ञान को बोला कि नहीं नहीं मैं कैसे अपने में रहूं, मैं तो बाहर को भी जानूं, कोई बात नहीं जान लो लेकिन कुछ लेने देने का भाव नहीं करना, अपना अहमदाबादी नहीं जेम मॉल में जोवा जवानू लेवा तो शहर में जवानू, आपने क्या कही है मत कही ना मॉल जोवा जाइए, आपने कह रहे हम कहता ज नहीं कि मॉल में लेवा जाइए, शू कही जी मॉल जोवा जवानू छे, भले ही तुम्हें करोड़ों की दुकान लेने बैसेला हो है आपने तो शू करव छे जोवा जवानू छे, हा
ज्ञानी कह रहे, देखो भैया ज्ञान ने बोला कि हम कैसे अपने में रहें, श्रद्धा तो लेडीज है वो तो घर में रह सकती है। ज्ञान कहता हमारा तो घर में रहने की प्रकृति नहीं है, तो हमें तो बाहर जाना ही पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, बाहर जाओ, जाके आ जाओ, लेना देना कुछ नहीं। ऐसा ज्ञानी अपने को जान रहा है, अपने को अपना मान रहा है, अपने का अपने ही कार्य रूप परिणमित हो रहा और परिणमित होने वाले आनंद को भोग रहा है। कर्ता पर का नहीं है, भोक्ता पर का नहीं है, एकत्व मुक्त पर में है नहीं, पर को देखने जानने वाला है। अपना कर्ता अपना भोक्ता, ओहो अपने में ही रहने वाला है। देखो अब कैसे ऊपर बताते हैं, एग्जाम्पल दिया कैसे, देखो राजहंस के बदन के सपरसद, बदन मतलब शरीर नहीं, चोंच या मुख, एक्चुअल में बदन कहलाता है मुख, और यहाँ पे चोंच के अर्थ में लिया। अब हंस का मुंह कैसा होगा, चोंच मुख्य होती ना उसमें, तो जैसे राजहंस की चोंच के स्पर्श से, कौन सा हंस बोल रहा, राजहंस, ऐसा कहते हैं कि एक तो हंस होता और एक हंस में भी राजहंस होता। राजहंस मोती खाता है, भगवान जाने कैसे खाता होगा, कौन सा है बराबर, लेकिन उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि राजहंस कौन होता है, जो मोती खाए। किडनी क्यों नहीं होती, प्रश्न ये बड़ी बात है, उसको क्या कहते हैं स्टोन क्यों नहीं होता इतने मोती खाने के बाद में, ये अलग मैटर है, लेकिन राजहंस की ऐसी खूबी बताते हैं। उसका मुझे कारण ये लगता है कि जैसे ही वो उसकी चोंच में ऐसा फिल्टर रहता है कि चोंच को दूध में डाला और दूध में डालने पर पानी पानी छूट जाता है और पनीर पनीर दूध जैसा वो रह जाता है। मे बी उसकी चोंच में कुछ क्षार तत्व रहता होगा जिससे वो, जैसे अपन नींबू दूध में डालते ना, नींबू डाल देते हैं तो वो पनीर अलग हो जाता है ना, पानी अलग, ऐसे उसकी चोंच में कुछ क्षारीय तत्व होता होगा, ऐसा मैंने देखा नहीं है, कभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया बराबर। हंस तो सही बताऊँ ना, आजकल देखने में ही नहीं आते, जो हंस हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो तो नहीं समझ में आया आज तक। हंस के बारे में बहुत कहानियाँ आती हैं, मोती चुगने वाला हंस, ऐसा ऐसे हंस तो कभी दिखे नहीं। टोडरमल जी साहब ने भी यही कहा, इस काल में हंस नहीं दिखते तो कौवे को थोड़ी हंस, मतलब उनको भी नहीं दिखा होगा, ये कहना चाह रहा। लेकिन जब जो होगा, इतनी सारी बातें तो कहीं तो कुछ होता होगा, मूल्यवान होता होगा, महत्वपूर्ण होता होगा, बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो गई, ये भी लुप्त हो गया होगा बराबर। तो राजहंस कैसा राजहंस, कि जो एकदम धवल निर्मल हो और जिसकी चोंच में ऐसा क्षारीय तत्व होता है कि जैसे ही वो दूध में चोंच डाले वो पूरा पानी अलग हो जाए और दूध दूध वो रह जाए बराबर। देखो तो जैसे राजहंस के बदन के सपरसत, देखिए एटले गुप्त नहीं प्रकट दिखता है, न्यारो छीर न्यारो नीर है, नीर और छीर भिन्न भिन्न दिखे ना, भिन्न भिन्न दिख गया कि नीर पानी और क्षीर दूध दोनों अलग अलग हो गए। अब देखो तैसे समकिति की दृष्टि में सहज रूप, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में, आज तो बहुत कम दिख रहे हैं समय सार नाटक है, जिनको कलश कंठस्थ हो वो ही ग्रंथ लेकर ना बैठे, बराबर, नहीं तो मैं पूछूंगा आगे की पंक्ति बोलो
मैं मेरी सभा में इतने विद्वान व्यक्ति बैठे, मुझे पता ही नहीं कि जिनको समयसार नाटक कंठस्थ हो प्रमादि तो कह नहीं सकता, विद्वान ही कहूंगा। चला तैसे समकिति की सुदृष्टि में सहज रूप, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सहजता के साथ क्या दिखाई देता है? न्यारो जीव, तीन चीजों से भिन्नता बताई, न्यारो जीव, न्यारो कर्म और न्यारो ही शरीर। जीव अलग दिखा, फिर न्यारो कर्म यानी जो नौ कर्म रूप है वो भी अलग दिखा, और नहीं कर्म मतलब द्रव्य कर्म रूप है वो भी अलग दिखा, और न्यारो ही शरीर। मतलब ज्ञानी जब अपने अंदर में जाता है तो उसे दो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, एक तो मेरा ज्ञान स्वभाव और एक तरफ जो कर्म के उदय में चलने वाली कर्म धारा है, उस कर्म धारा में जो राग देश मोह आदि भाव हो रहे वो कहलाए न्यारो कर्म। और फिर ये जो एक नौ कर्म यानी शरीर है, ये जड़ जो इसका मेरे साथ संयोग हुआ, जिसको भूख लग रही, जिसको प्यास लग रही, जिसे सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, रोग हो रहा, ये तीन चीजें दिख रही। अब अज्ञानता से क्या हो रहा है कि हमें तीनों एक मेक लग रहे हैं, भूख लगती है वो भी मुझे, गुस्सा आता है वो भी मुझे, और जानता भी मैं हूं, सही है ना? अभी तो हाँ बोला था ना, ज्ञानी तीनों को अलग अलग देख रहा है, बुखार है ना, बुखार अपने को सब बुखार एक सा लगता है, वायरल का भी बुखार एक सा लगे, क्या कहते हैं डेंगू का भी बुखार एक सा लगे, मलेरिया का भी बुखार एक सा लगे, सब लगते हैं ना, लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं एक से नहीं है, और वास्तव में हो मलेरिया और वायरल की गोली ले लो, हो डेंगू और वायरल की गोली ले लो, तो रोग बढ़ जाता है। अपने को सब बुखार लग रहा है, अपने को सब बुखार लग रहा है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं एक वायरल है मतलब वायरस के द्वारा होने वाला बुखार, एक मलेरिया मतलब प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाला है, एक डेंगू मतलब वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है, बैक्टीरिया वाला होता है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम से होता है उसमें दूसरी दवाई दी जाती है, और वायरल के द्वारा तो कोई दवाई होती नहीं है उसमें तो आराम हो किया जाता है, तुम्हें तो सब बुखार लग रहा है ना, ताव आ गया, ताव आ गया, पर ताव से नो, इसके लिए डॉक्टर की दृष्टि होनी चाहिए कि ताव तो है लेकिन तीनों ताव अज्ञान में तुम्हें एक लग रहा है, ज्ञान में देखोगे तो अलग अलग है। अच्छा है कोई डॉक्टर नहीं है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से एग्जांपल दे देता हूं, नहीं तो थोड़ा डरता कि पता नहीं गलत तो नहीं हूं। लेकिन जितना बोला है उतना पक्का है, चिंता मत करो, डॉक्टर भी हाँ बोलता। समझ आया? लेकिन एक में दवा की जाती है, एक में दवा नहीं की जाती, एक में अलग प्रकार की दवा की जाती है, ये सब डॉक्टर को पता होता है, इसलिए हम डॉक्टर को 500-1500 रुपए दे देते हैं। अज्ञानी को सब एक सा लग रहा है, अज्ञानी को क्या लग रहा है, सब एक सा लग रहा है। हाँ ऐसे ही यहाँ पे हमें तो सब एक सा लग रहा है, कि भूख भी किसे लगी मुझे, गुस्सा भी किसे आया मुझे, बराबर, और जाना भी किसने मैंने, नहीं ज्ञानी कहेगा कि इन तीन चीजों में एकमात्र जानने का डिपार्टमेंट तेरा, बाकी भूख के कारण क्रोध आ रहा है वो तू नहीं, न्यारो कर्म। भूख के कारण शरीर में जो आते कूद रही हैं, कहते ना पेट में चूहे कूदना, ना ये होना ना वो होना, ये जो शरीर का परिणमन हो रहा वो शरीर में, अकड़ा अकुलता हो रही वो कर्म का उदय, और दोनों को जान रहा वो तू,
चार बुद्धि। अभी भी पर्यूषण आएगा ना, लोगों को कहेंगे भैया थोड़ा एकासन करो, उपवास करो, है तो यही बोलते हैं। एकासन उपवास करते हैं ना तो बहुत बहुत वो आकुलता होती है, बराबर चक्कर आ जाता है, फला ये चक्कर किसको आता है? मुझे आता है, शरीर को। आकुलता आकुलता जो तुम कह रहे हो वो क्यों हो रही है? वो शरीर को। तुम तीनों को भिन्न मानो तो कुछ नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? उपवास में धर्म नहीं है, ये बात सही है, लेकिन तो भी एकासन उपवास आदि करना चाहिए। इसका कारण इसके लिए है क्योंकि ये भिन्नता की प्रयोग तुम कब करोगे? भरे पेट सारे प्रयोग करने, खाली पेट नहीं करना कुछ भी, है ना। पर खा पी के अब बोलो साहब शरीर में नहीं, अच्छा पेट भर गया तो मैं नहीं, और जब तक खाली था लाओ लाओ मुझे भूख लगी। जरा सा पेट खाली होता है ना पूरा ज्ञान एक तरफ है? मुझे आश्चर्य होता है कि आपको हम सबको ये दायित्व बनता है कि जिस शरीर की भिन्नता की हम बात करते हैं, कभी पाप के उदय में उसकी भिन्नता महसूस क्यों नहीं करते? बोलो, घुटने में दुखावा हो रहा हो ना, तुम कह चलो मोक्ष ले जाएं, मोक्ष बाद में जाएंगे, पहले दुखावा दूर करो। हैं, बोलो, विचार करके देखो। हैं, देख नहीं समझे? ये मतलब हम लोगों ने उपाय वहीं, और पूरी ऊर्जा कहाँ लग जाती है हमारी? वहीं पर। आ दुखे जे पहले दुखे जे। अच्छा गजब है, अनुकूलता में तो दुनिया की तरफ दौड़ते हो, जब शरीर काम का नहीं होता तब धर्म में लगाते हो, और फिर कह रहे धर्म में क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा। सब जगह से ब्लॉक तो धर्म को ही करते हो। अनुकूलता शरीर जब, तब तो दुनिया भर का करते तो सूझ रहा था, ये कर लें वो कर लें, और फिर बोलता भी है हमारा शरीर चाले छे ना तो थोड़क दौड़ दौड़ कर ही लीए, पची तो पची छेले धर्म करीश। मतलब जो जो भी व्यक्ति बुढ़ापे में रोते हैं, मैं उन सबसे पूछता हूं क्या कभी जवान नहीं थे? बोलो। इसीलिए कह रहे भाई वेद ज्ञान का अभ्यास करो। हमने ये मान रखा है कि शरीर का परिणमन मेरा है, उसके द्वारा होने वाले जो रागादि भाव हो रहे हैं वो भी मेरे हैं, और उनको जानने वाला ज्ञान भी मेरा है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि अपनाओ तो ज्ञानी क्या कह रहा है? न्यारो जीव, न्यारो कर्म, अरे न्यारो ही शरीर। इसके शरीर का जो भी परिणमन हो रहा, एक सिंपल दृष्टांत से लिया, भूख के दृष्टांत से, क्योंकि रोग वाला पाप का होता है किसी को आए ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन भूख वाला पाप का होता है मेरे चाहने से किसी का रोकता नहीं, वो तो दिन में दो तीन दफे आता ही आता है। है? और वो नहीं आए तो पाप का उदय लगता है, आए तो पाप का उदय नहीं लगता, कुदरत लगती है, नेचर, बराबर। और अगर भूख लगना बंद हो जाए करिए कहीं खावानो मन थतो नथी, नैवेद्य की जो प्रार्थना थी वो सफल हो गई, छुदा रोग नष्ट हो गया, अति उत्तम बात। आओ थोड़ी आओ आओ थोड़ी हो पंडित जी, खाईशू नहीं तो शू करीशू, जानीशू। अपने एम लागे जो खावा पीवा पर प्रतिबंध लागी जाए एटले आपनो स्वर्ग ना दार ऊपर तालो लागी गयो, हवे जीवन में शू सार रहे? बोलो। अहमदाबादी सोच बताओ ना, वही है ना, घर से बाहर निकले तो हवे एक ही प्रश्न होता है, शू खाशो शू पीशू, अने खाधा पीधा वगैरह आटो मारी ने पाछो आव्या, शू करवा शू गया था? એટલે કાંક કંઈક તો જોઈએ. હા.
એટલે એ જ લાગે કે મોક્ષ સ્વર્ગનું દ્વાર ક્યાં છે, આ છે ને આ સ્વર્ગનું દ્વાર છે એમ. સરસ મજાની વસ્તુ આવે તો સ્વર્ગ, અને ખોટી આવે તો નરક જ અહીંયા છે. બોલો સાચી વાત, તદ્દન ખોટી વાત. પ્રભુ યે સારી વસ્તુએં જ્ઞાન કા ગે હે, જ્ઞાન ઉનકો જાનતા હે. और जो राग हो रहा है ना, जिस राग के कारण ही अच्छी बुरी लग रही, वो कर्म है, मेरे से भिन्न है. और उन वस्तु की कमी के कारण शरीर में जो दशा हो रही, वो शरीर है, वो मेरे से भिन्न है. और मैं ज्ञान से उस राग को भी जानता हूँ और शरीर की अवस्था को भी जानता हूँ. ऐसा वेद ज्ञान अगर हमने कर लिया तो अब समझ लेना कि संसार ज्यादा लंबा रहेगा. न्यारो देह है कि ना, न्यारो जीव, न्यारो कर्म, न्यारो ही शरीर, तीनों बातें हो गई. अब देखो आगे, जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास है, तब अभ्यास से होगा. देखो ये बात कह रहे, ये बात अचानक नहीं आएगी, सुनने मात्र से नहीं आएगी, ये भी समझ लो. सुन तो आपने जन्म से रखा है, नहीं बालपोती का पहला पार्ट यही ना, हूँ जीव छू मारा मा ज्ञान छ. आ शरीर जीव नहीं, कहीं जानतो नहीं, पण आवतु केम नहीं, ये अभ्यास. जब जब पाप का उदय आवे, जब जब पुण्य का उदय आवे, जब जब शरीर की कोई घटना घटे, तब तब ये ख्याल में आना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है और इसको कौन जान रहा है. देखो, जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास है, तब जब शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, तब क्या होता, भासे आपु अचल ना दूजो कोई सीर. स्वयं दिख रहा है मेरे, बोला ज्ञानी कहीं पर भी जाता लेकिन स्वयं से नहीं जाता, बराबर. और अज्ञानी कहीं पर भी आता लेकिन स्वयं में नहीं, इतना आने जाने में फेर. क्या बोला, ज्ञानी कहीं पर भी जाए लेकिन स्वयं से नहीं जाता, वो अपने में जमकर कहीं पर भी जाता, बराबर. और अज्ञानी कहीं पर भी आए मगर स्वयं में नहीं आता, इतना अपने आने जाने का फेर है. और उसीलिए उसका संसार का आना जाना अटक गया और हमारा आना भी चालू है और जाना भी चालू. बोलो, ये तो इस पर्याय में थोड़ा 50-60 साल बैठने का मौका मिल गया तुम्हें. एक इंद्रिय आदि की पर्याय में गए होते तो आने जाने से छुट्टी नहीं मिलती, सच बता रहा हूं. एक कीड़े मकोड़ों की तरस की पर्याय है ये, बरसात में होते कीड़े मकोड़े, कब आते ना कब जाते, बोलो पता चलता है. कोई तीज तिया बैठना होता है उनका क्या है, कितने जीवात हो जाते. अब देखो तो जरा, आप कभी ये सोचते नहीं हो कि ये जीव उत्पन्न होते हैं फिर सुबह तो डेड बॉडी तक दिखती नहीं है, जाते कहाँ हैं, कभी सोचे. मैं तो कई बार विचार करता हूँ, अभी खासकर इस सीजन में तो कितने होते हैं, लाइट जलाती है ना, लाइट जलती है तो चारों तरफ कितने दिखते हैं, फिर ना तो वो जीव दिख रहा है ना उनका शरीर दिख रहा, पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है, सूख जाते, धूल बन के उड़ जाते, क्या होता है. ये कौन है, कौन है ये जीव, अपने जैसे जीव हैं. अपने तो आने में भी धाम धूम हो गई और जाने में भी धाम धूम होती, दोनों में होती ना. आजकल तो बहुत हो गया, फोटो सीजन जब से चालू हुआ, बच्चे के वेलकम करना और फूल बना के आना, ये करना ना वो करना है, देखा देखी सब चलती.
महीना की फोटोग्राफी होती है, हर महीने की फोटोग्राफी होती है, एक ने चालू किया तो सब चालू। अच्छा किसके लिए कर रहे हो? जिसके लिए कर रहे हो वो तो गेन में ही है, तो किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए? खुद तो परेशान होते हो। हाँ दूसरों के लिए करें। किसके लिए कर रहे हैं? जिसके लिए कर रहा है वो बालक भी सो रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है। यानी बालक के लिए नहीं कर रहा, खुद के लिए नहीं कर रहा, तो किसके लिए कर रहा? सैमसंग वाले के लिए, एप्पल वाले के लिए, व्हाट्सएप वाले के लिए, फेसबुक के लिए है? आने में इतनी धूमधाम और जाने में पहले दिन की धूमधाम, तीसरे दिन की धूमधाम, बारहवें दिन की धूमधाम, महीने भर की धूमधाम, वार्षिक धूमधाम, बराबर। और ये बेचारे जीव हमारे ही जैसे कब पैदा हो जाते हैं और कब मर जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। आत्मा का तो पता चलता नहीं, शरीर का भी पता नहीं चलता, सुबह झाड़ू पोते में भी दिखते नहीं, गए कहां। और ये सब अपने जैसे हैं, ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं ये 84 लाख योनियां ये अपना एल्बम है। जैसे गूगल बताता ना 1 year ago 2 year ago, अब आगे का फॉर्मेशन तो है नहीं उसके पास में कि 5 साल बाद में क्या होगा, आफ्टर 5 years का कुछ बताए। तो पुरानी पुरानी फोटो बता देता ना 5 year ago 2 year ago, ये सब तुम्हारी 2 bhav ago 5 bhav ago 50 bhav ago 1 lakh bhav ago है? आ रही कि नहीं आ रही है? कौन है ये? ये दो दो चार भाव पहले हम भी ऐसे ही होंगे, 5-10 भाव पहले हम भी गधे कुत्ते सूकर क्या मन किस पर्याय में होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, क्या होंगे? ओ विचार करते तो आंसू आते। अभी ये गूगल की फोटो को मान लेते हैं, जिनवाणी जो फोटो बता रही उसे मानते नहीं। और तो लोगों ने आ तो जिनवाणी में तो बदू के पची तो डायत ही ना सुखे, जिनवाणी धर्म मुजब जीव तो कहीं नहीं करी सकता। अरे धर्म मुजब जीवो तो सम्यक दर्शन करी सको छो, सम्यक ज्ञान करी सको, सम्यक चारित्र करी सको छो, मोक्ष करी सको छो प्रभु। ओहो पण आ तमने करवू नथी। आवा लोगो डाया थई गया। अने गैर मुमुक्षुओं की बात नहीं कर रहा, फिर से मैं बोलता हूं मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूं। ऐसी बातें करते धर्म के हिसाब से करने जाओ तो कुछ नहीं कर सकते। अब तुझे करना मतलब है? वो विष्ठा का संगार करने वाली बात आए, धर्म के हिसाब से जाओ तो कर ही नहीं सकते। अरे भाई करने की जरूरत क्या है? करने की जरूरत क्या है? ऐसा है लेकिन क्या करें। हा 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 तो यहाँ क्या कह रहे कि ज्ञानी कहीं पर भी जाता हो लेकिन स्वरूप से नहीं जाता, और अज्ञानी कहीं पर भी आता हो लेकिन स्वरूप में नहीं आता। इसीलिए हमारा आना जाना अनंत संसार को बढ़ा देता और उसका आना जाना अनंत संसार को, क्योंकि वो स्वरूप से कहीं जाता नहीं और पर में। हाँ देखो भासे आपु अचल, स्वयं क्या दिखाई दे रहा है? अचल पर्वत की भांति, ना दूजो और कोई सिर है, दूसरा कोई साथी नहीं, एकमात्र कौन? आत्मा आत्मा एक आत्मा ही उसको साथी दिख रहा है, दूसरा और कोई साथी नहीं दिख रहा। प्रयास भी कर रहा तो आत्मा के लिए कर रहा, जो भी उपाय कर आत्मा के लिए कर रहा। अब देखो अब अंतिम लाइन कह रहे पूरब कर्म उदय आई के दिखाई दे। ऐसा नहीं कि ये कर रहा है तो उसे वर्तमान में कुछ दिख नहीं रहा। मैं कई बार आपको कहता हूं
कि इस भाव में जैसे बहुत बुद्धिपूर्वक मैंने जीवन जीने की कोशिश की और लगभग लगभग ये विचार किया कि एक भी नया कर्म ना बने, बहुत विचार किया तो भी जितनी पुरुषार्थ की कमी उससे बन भी रहे हैं लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप इस भाव में कुछ भी नहीं करोगे संसार में एक्टिव, तो भी पुराना इतना भंडार पड़ा है कि वो आके क्या करता जाएगा, तमाशा दिखाता जाएगा। यानी ऐसा समझो कि इस भाव में आप एक रुपए का भी खर्चा ना करो लेकिन पहले इतने ज्यादा लोन ले लेकर बैठे हो कि सबके हफ्ते भरते भरते तुम्हारी पूरी कमाई निकल जाएगी। ये लगभग मैं बहुत विचार करके आपको बात बोल रहा हूं। संसार में रहते हुए भी एकदम जल में कमलवत रहने का प्रयास किया करते हैं, फेल भी होते हैं, सही बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व का इतना ज्यादा कर्जा माथे पर है कि आप एक रुपए का खर्चा ना करो तो भी एक रुपए ना बचे। ये कोई अर्थशास्त्र नहीं बता रहा, हाँ ये कर्मशास्त्र बता रहा हूं। एक रुपए का खर्चा ना करो मतलब कि अपने बुद्धिपूर्वक ऐसा उपाय ना करो कि बड़े संसार तो भी जो ज्ञान की निधि है ना, वो ज्ञान की पूरी निधि पुराना केस सुलझाने में निकल जाती। ख्याल में आया? इसलिए ज्ञानी कहता है भैया ठीक है अब जो है सो है। अब पहले चेत जाते तो अभी नहीं भोगना पड़ रहा, अभी चेते हैं तो अभी आनंद में है, आगे उदय में नहीं आएगा तो आगे और आनंद में रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है यार? इसीलिए ये चीज को तमाशगीर है, करता ना होए ये बधी वस्तु नु करता नहीं होतो, एना शू करे छे मात्र दृष्टा होय छे। विशेष चर्चा अपने करता।